तो अभी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हो रहा है। बारिश की वजह से 5 ओवर का ये मैच कर दिया गया और साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करके 40 रन बनाए हैं 3 विकेट के नुकसान पे। और ऑस्ट्रेलियन टीम को इस मैच को जीतने के लिए बनाने होंगे 5 ओवर में 41 रन। क्या ऑस्ट्रेलियन टीम ऐसा कर पाएगी? बैटिंग हैंड पे एरोन फिंच और नॉन स्ट्राइकर एंड पे डेविड वार्नर और बॉलिंग कर रहे हैं साउथ अफ्रीकन टीम से प्रिटोरियस। लास्ट ओवर की आखिरी बॉल प्रिटोरियस ने डाल दी और एरोन फिंच ने नटराज पोज के साथ एक कमाल का शॉट खेला और यहां पे शॉट की वजह से मिल जाएंगे 1 रन। दूसरी बॉल प्रिटोरियस डालते हुए डेविड वार्नर के सामने डेविड वार्नर ने कमाल का शॉट खेला और यहाँ पे आसानी से 2 रन ऑस्ट्रेलियन टीम को मिल जाएंगे। रनिंग बिटवीन दी विकेट्स बहुत ज्यादा खूबसूरती से कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। अब ऑस्ट्रेलियन टीम को ये मैच जीतने के लिए बनाने हैं 4 गेंदों में 3 रन। क्या ऑस्ट्रेलियन टीम ऐसा कर पाएगी? प्रिटोरियस ओवर की तीसरी बॉल डालते हुए डेविड वार्नर के सामने, डेविड वार्नर पहले से तैयार, प्रिटोरियस ने बॉल डाल दी और डेविड वार्नर ने कमाल का फ्लिक किया और यहाँ पे 2 रन फिर से मिल जाएंगे ऑस्ट्रेलियन टीम को। अब दोनों ही टीमों की स्कोर बराबर है और गेंदे बची है 3। 3 बॉलों बनाने और ऑस्ट्रेलियन टीम को जीतने के लिए 1 रन। एक तरफा मुकाबला एक तरह से अब बना दिया है डेविड वार्नर ने अपने कमाल के 2 शॉट से। प्रिटोरियस ओवर की चौथी बॉल डालते हुए डेविड वार्नर के सामने शॉर्ट बॉल कराने की उनकी कोशिश और ये डेविड वार्नर द्वारा खूबसूरती से खेला गया शॉट मिल जाएंगे 1 रन। और इसी के साथ 2 बॉल रहते ही ऑस्ट्रेलियन टीम ने मैच अपने नाम कर लिया है। आखिरी ओवर में हमें कोई छक्का चौका देखने को नहीं मिला लेकिन सिंगल डबल से ही ऑस्ट्रेलियन टीम ने इस मैच में फतेह कर लिया है और जीत के बाद आपको ये सेलिब्रेशन बता रहा है कि कितने ज्यादा खुश हैं दोनों ही बल्लेबाज इस मैच को जिता के। और साउथ अफ्रीकन टीम इस मैच को हारने के बाद थोड़े से नाखुश दिखते हुए। बाकी आप एक काम कर सकते हो, आप ऐसे ही कमाल के क्रिकेट शॉट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर करो।